हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठित। जब किसी भी देश में कोई सरकार परमानेंट या अंतरिम सरकार गठित होती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में बांग्लादेश में हाल ही में अंतरिम सरकार ने शपथ ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार को शपथ दिलाई। अब यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश में राष्ट्रपति भवन को क्या बोला जाता है, बंग भवन। तो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बंग भवन में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को शपथ दिलाई। यूनुस को सरकार में मुख्य सलाहकार का दर्जा दिया गया है, चीफ एडवाइजर का दर्जा दिया गया है, जो दर्जा जो है वो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट होता है, प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। अब बात ये आती है कि मोहम्मद यूनुस कौन है। तो 84 वर्षीय बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर दो प्रश्न फ्रेम होते हैं, एक तो ये कि मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, वर्ष 2006 में। एक और प्रश्न क्या क्रिएट होता है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया जिन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, मोहम्मद यूनुस। इनकी सहायता के लिए एक 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले के घटनाक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन बहुत भड़क गया था और उस आंदोलन में उपद्रवकारी छात्रों ने जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भवन पर भी कब्जा कर लिया था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो शरण के लिए भारत आ गई थी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।